देखो बेटा डेंजरस हिंदी है सर, आप प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप तीनों ही मारो डंडा। मैं बहुत सारे हीरो थे लेकिन मैंने सब लोगों को रिजेक्ट किया। अभी तेरे को लेता बिकॉज तू हैंडसम है और माशाल्लाह क्या बॉडी है, बाप रे। ढाई दिन के अंदर 12 पैक आ जाएगा तो पिक्चर कितना दिन में तुम कंप्लीट करेगा? अगर तेरे को जब तक स्क्रिप्ट याद होएगा तब। मेरे को स्क्रिप्ट याद हो गया है। पक्का? पक्का याद देख हो गया। ले देख लिया, सोच ले, सोच लिया। चल ठीक है, चल। अच्छा मैं जाऊँ अभी? ये ले अंदर। अच्छा ये ले। मैं बोली के लाना तो मिट्टी पहाड़ी, मगर वो पता चले आया नाड़ी। हाय गाइस, दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज मैं आपको इस लड़के की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। ये लड़की आजकल टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, जो कि सलमान खान के साथ भी है और अलग अलग एक्टर के साथ भी है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ। जब ये टिकटॉक पर इतनी ज़्यादा वायरल चल रही है, जब मैंने टिकटॉक पर इसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन खोले तो वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में कमेंट थे कि भाई ये शो कौन सा है, ये शो किस चैनल पर आता है। और नाम तो बहुत लोगों को पता है लेकिन पूरा नाम किसी को नहीं पता, या कुछ लोगों को पता होगा। तो आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि इसका पूरा नाम क्या है, रहती कहाँ है, शो का क्या नाम है, किस चैनल पर ये शो आता है और आप शो को कैसे देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। और एक बात बता दूँ, इस डिटेल जो मैं आपको जितनी देने वाला हूँ, इसको इस बताने के लिए मुझे कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद इस शो का फ़ैन हूँ। तो मैंने खुद ये शो टीवी के सामने बैठकर देखा है, और कब देखा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। तो गाइज चलो पहले बात कर लेते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। तो गाइज इनका पूरा नाम है आसमा मोहम्मद रफ़ी, और ये आई थी ओमान से इंडिया में। अस्सलामुअलैकुम, मैं ओमान से आसमा। क्यों आई थी बताता हूँ गाइज, बहुत टाइम पहले, आज से करीब 8-9 साल पहले का ये शो है। जो वीडियो आजकल आप लोग देख रहे हैं वायरल हो रही है, ये आज से 8-9 साल पहले की ये वीडियो है। तो जी टीवी पर एक शो आता था, अभी आता या नहीं आता ये मुझे नहीं पता, सारे गामा पा करके एक शो आता था। तो वो शो बेसिकली सिंगिंग के बारे में था, जिनको सिंगर बनना होता था वो इस शो में पार्टिसिपेट करते थे। तो आसमा मोहम्मद रफ़ी भी इस शो में पार्टिसिपेट करने ही आई थी ओमान से। ओके गाइस, तो ये शो तकरीबन आज से 8-9 साल पहले आता था, और इसीलिए मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है, कि क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ था ये शो यार बैठकर टीवी के सामने, बिकॉज ऑफ आसमा। जब वो हिंदी बोलती हैं, जैसे कोई अंग्रेज़ अगर हमारे सामने आकर हिंदी बोलेगा, उसको हिंदी नहीं आता होगा, वो हिंदी आकर बोलेगा तो कितना अच्छा लगता है जब कोई बोलता है हिंदी। तो दैट्स व्हाई आसमा की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, तो जब वो हिंदी बोलती हैं तो बहुत मज़ा आता है। और इन्होंने बताया था शो में कि ये हिंदी गाने बहुत मुश्किल से याद कर पाती हैं, और इनके मुँह से हिंदी सुन के मज़ा ही आ जाता है गाइज। तो दैट्स वाई ये उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और आज तो हो ही रही हैं। अब बता दूं कि उस टाइम पर ये कैसे वायरल हुई थी। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको आता है वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर सेट कर देना। अब बताता हूँ आपको कि ये उस टाइम पर इतनी वायरल कैसे हुई थी गाइज। जिनका एक पार्ट था छोटा सा, वो वाला जहाँ इन्होंने गाना गाया था चुनरी 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 चुनरी, आप लोग देखो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये वाला गाना इनका बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पर भी। याद रखो उस टाइम पर इतना नेट नहीं था सबके हाथ में, बहुत कम लोगों के पास नेट था उस टाइम पर भी। अगर आप किसी के मोबाइल में देखते, बटन वाले मोबाइल में, उसमें भी देखते अगर, तो इनकी ये वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलती, चुनरी चुनरी वाली। तो गाइस ये उस टाइम पर भी बहुत वायरल हुई थी, और मैं तब से इनका फ़ैन ही हूँ, इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने के लिए कहीं रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बताते हैं कि अगर आपको ये शो देखना है तो आप कैसे इस शो को देख सकते हो। गाइज आप ये पूरा शो तो नहीं देख सकते हो क्योंकि 8-9 साल पहले का शो है, लेकिन आप इसके छोटे छोटे पार्ट ज़रूर देख सकते हो। जितने पार्ट में आसमा आई थी उतना पार्ट आप देख सकते हो। कैसे देखना है आपको, यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है आसमा मोहम्मद रफ़ी, या जी टी वी सर्च कर दें, या सारे गमा पा सर्च कर दें,
तो या शो सर्च करते हैं आसमा मोहम्मद रफ़ी शो सारे गामापा, तो आपको इनके छोटे छोटे पार्ट बहुत सारे पार्ट देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इनके पार्ट को देख सकते हो और मज़े ले सकते हो। तो चलो बस आज की वीडियो में इतना था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जाओ देखो और इन्जॉय करो। बाय।